फ्रेंड, स्वागत है आपका जोशी नीटिंग चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ न्यूबॉर्न बेबी फ्रॉक डिजाइन। तो हमें सबसे पहले इसके लिए बॉर्डर तैयार करना है और मैं आज कट वाला बॉर्डर बनाऊंगी। तो मुझे लगा मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं। तो हमें सबसे पहले क्या करने हैं, अपने फ्रॉक के अकॉर्डिंग फंदे ले लेने हैं। आपको बेबी फ्रॉक में कितना घेर चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग फंदे ले सकते हैं। जैसे मुझे ज़्यादा घेर चाहिए तो मैंने 110 फंदे रखे हैं। तो अब हमें क्या करना है, अपना धागा कैरिज में लगा देना है, देखिए, और एक सिलाई चलाएंगे। फिर हम अपने फंदों को सिक्योर कर लेंगे, ये देखिए। और अब हमें वेट लगा लेने हैं। अब हम एक प्लेन सिलाई चलाएंगे। और अब हमें इस बॉर्डर में क्या करना है, फिर ये सारे फंदे हमने आगे कर लेने हैं, ये देखिए। और ऐसी हमें अपनी प्लेट 8 सिलाइयाँ चलानी है। ये देखिए। फिर अब इस बॉर्डर में हमने क्या करना है, ध्यान से देखिए। जैसे हमारे एक नीडल खाली थी और एक नीडल में हमारे फंदे थे, हमने फिर से उन फंदों को एक एक नीडल खाली करके डालना है, ये देखिए। ऐसे ही हम अपना पूरी लाइन हम अपनी ऐसे ही करते रहेंगे। मैं ये आपको करके बताती हूँ, ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने अपने सारे फंदे एक नीडल छोड़ के एक खाली कर दिए। फिर हमने क्या करना है, इन फंदों को फिर से आगे कर लेंगे। तो इसमें हमारा बॉर्डर में कट आ जाता है, ये देखिए। फिर से हमने अपनी 8 सिलाइयाँ चला लेनी है। ये देखिए, आप अपने बॉर्डर की चौड़ाई के अकॉर्डिंग सिलाइयाँ लगा सकते हैं। मुझे इसमें कम चौड़ा बॉर्डर चाहिए तो मैंने सिर्फ 8-8 सिलाइयाँ लगाई हैं। आप चाहो तो 10 सिलाई ऊपर 10 सिलाई नीचे लगा सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अपने वेट को हम हटा लेंगे, ये देखिए। और ये रॉड हम इसके बीच में अटैच कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, ये देखिए, हमने एक नीडल छोड़ के एक में ये फंदे डाल लेने हैं, ये देखिए। ऐसे करके हम एक नीडल छोड़ के एक में हम सारे फंदे ऐसे ही डाल लेंगे। अब मैं आपको ये फंदे डाल के फिर दिखाती हूँ, ये देखिए, मैंने अपने सारे फंदे डाल दिए हैं। और अब मैं ये हटा लूँगी। आप इसको हटाने के लिए इसको पलट दें तो फंदे अपने आप ही निकल जाएंगे। और फिर हम अपनी सारी सिलाइयाँ नीडल्स आगे कर लेंगे। और अब मुझे बीच में डिज़ाइन नहीं डालना है तो मैं सिंपल एक एक नीडल खाली करके ये एक
खा जाती है। मुझे अपना धागा चेंज करना है क्योंकि मैं कलरफुल बना रही हूँ। तो ये हमने धागा चेंज किया और कैरी में लगा दिया। देखिए हम इसको बीस पच्चीस सिलाई तक हम इसको प्लेन ही चलाएंगे। देखिए मैंने कुछ प्लेन सिलाइयाँ लगा ली हैं और अब मैं आपको रॉड निकाल के इसमें बॉर्डर दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा कितना सुंदर लगता है। ये देखिए इसकी उल्टी साइड होगी और ये सुलटी साइड। ये देखिए ये बॉर्डर फ्रॉक में बहुत ही सुंदर लगता है और मैं अपनी ये फ्रॉक की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।